प्रसारण के लिए एक बहुत ही अच्छे छात्र हैं मैडम प्रियंका है। इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक अपना प्री निकाला था बीएससी के लिए, तो सर से अनुरोध है कि जरा इनको सम्मानित करें। संस्थान को आज 2 साल पूरे हुए हैं और 2 साल में संस्थान ने बहुत सारे परीक्षार्थियों की के भविष्य बनाए हैं, है ना। कुछ उनकी मेहनत से और कुछ हम लोगों के गाइडेंस से पूरे की पूरी टीम, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स आपस में मेहनत करके एक टीम बना करके ग्रुप डिस्कशन करके, है ना, ऐसे करके उन्होंने अपने आप को सिलेक्ट करवाया है। जैसा कि तुमने अभी देखा कि प्रियंका को अवार्ड दिया गया था, इनके सिलेक्शन किया, प्री इन्होंने क्वालिफाई किया था, प्री क्वालिफाई हुए हैं, जब मैं इनको कहूँगा मेंस भी हो जाएगा क्वालिफाई, पर अभी तक प्री का ही रिजल्ट आया है ना। तो अब ये क्या करेंगे, तुमको बताएंगे कि इनने कैसे पढ़ाई करी, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रियंका खाड़सिया है और मैं 2018 से सर के सानिध्य में तैयारी कर रही हूँ। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब एक शिक्षक और एक मित्र की भांति पढ़ाई में, किसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होता था तो सर हमेशा मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ क्या हर स्टूडेंट के साथ। सर स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उसको हर तरीके से, जिस वे में अगर वो समझ सकता है, जैसे भी समझ सकता है, उस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं सर। और देवास जैसे शहर में दृष्टि संस्थान की स्थापना के 2 साल एक सफलतापूर्वक मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो बड़े बड़े शहरों में स्टूडेंट आकर्षित होकर जाते हैं सुविधाओं को देखते हुए, वो सारी सुविधाएं दृष्टि संस्थान में उपलब्ध हुई हैं। सर ने स्टूडेंट की समस्याओं को समझा कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो सर ने लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की। सर ने हर चीज़ में सफल मतलब इतनी हेल्प करी है कि क्या बताऊँ। तो थैंक यू सो मच सर। चाहूंगी कि विवेकानंद जी के विचार आपसे शेयर करना चाहूंगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच। इनकी सफलता में हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती है रानी को, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती रानी को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसी है उड़ान, तो उसने कैसा है घोंसला, तो उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि आपको भी एक छोटे छोटे तिनके से अपना घोंसला बनाना है, मतलब छोटे छोटे परिश्रम से आपको अपनी जिंदगी बनाना है। अगर अब अभी से आप मेहनत नहीं करोगे एक स्ट्रेटजी और लगन के साथ, तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। आप सोचते हो एग्जाम डेट आ जाएगी 2 महीने में हम कर लेंगे, कुछ नहीं होता है 2 महीने। अभी से कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी आपको, ताकि एग्जाम, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत हो गया। पहले जो कम था कॉम्पिटिशन, 50-60 नंबर तक कट ऑफ जाता था, आराम से आप कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में लोग पहले 80 कट ऑफ 70 जाता था, तो अगली बार 75 जाएगा, 75 गया था तो फिर 80 जाएगा, समझ पाएगा। क्योंकि नए नए बिलियन तो लोग इसमें ऐड होते जा रहे हैं, हर साल हजारों बच्चे 12th पास करके ग्रेजुएट होकर नए स्टेज पर जाते हैं, तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरे कैंडिडेट जो संस्थान में पढ़े हुए हैं, हमारे मार्गदर्शन में पढ़े हुए हैं, रोहित, तो रोहित को बुलाना चाहूंगा, जो पोस्ट ऑफिस में अभी पदस्थ हैं और उज्जैन जिले में ये काम कर रहे हैं, तो उसके मध्य में ही पीएससी की तैयारी के साथ जुड़े हुए थे, और उसके मध्य में ही मेरा सिलेक्शन
पोस्ट ऑफिस में हो गया और पीएससी की तैयारी शुरू हो गई। एक बार पुनः सर के मार्गदर्शन में पीएससी की तैयारी वापस प्रारंभ करी है और आगे वाले समय में पुनः सिलेक्शन होगा सर को एक बार और पुनः गौरव करने का फल अवश्य देंगे। धन्यवाद सर। मैं वो यहाँ पर उपलब्ध है, आप समझ रहे हैं। सिलेक्शन के बाद लोग वो टैंक नहीं है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ जाइए, सर उनका सम्मान करेंगे। अजय ये उनके ही है, आपको भी मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रदीप लोधी जो फिलहाल एमपी पुलिस में कार्यरत हैं, प्रदीप